Assalamu alaikum to everyone. This is Ranjit. I'm head of sales capability and learning, an organizational practitioner. और आपको पता होगा कि जैसे लास्ट टाइम हमने HRBP माइंडसेट पे एक पावरफुल इवेंट किया और उस पावरफुल इवेंट में HR कम्युनिटी को एक जगह जमा किया. उसका मकसद ये था कि लोग कहते हैं HRBP दो डिफरेंट फील्ड है, दोनों डिफरेंट पोजीशंस हैं और इसके पीछे बड़ी एक मिथ है कि HRBP प्रो बिजनेस है या प्रो HR है. उसके बाद हमने रिसर्च किया AIIHR पे, अकेडमी ऑफ इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, तो वहां पता चला कि टी शेप्ड HR होता है और उसके अंदर चार कॉम्पिटेंसीज और पांचवी होती है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी. तो इन चार कॉम्पिटेंसीज को फर्दर एक्सप्लोर किया तो पता चला कि HRBP वही पावरफुल हो सकता है, HRBP स्ट्रेटेजिक वही हो सकता है जिसके पास चार कॉम्पिटेंसीज होती हैं. आज हमारा मकसद है उन चार कॉम्पिटेंसीज पे बात करना, HRBP का रोल क्या है उस पर बात करना और HRBP आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर किस तरह से काम करेगा. और HRBP को समझने के लिए आज हमने दावत दी है एक ऐसे गेस्ट को जो बहुत ही सीजन प्रोफेशनल है HR के फील्ड में और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें काविशें दी हैं HR के फील्ड में. आज उनका ताल्लुक है एक गारमेंट्स कंपनी के साथ जो पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर ये सीनियर HR मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं. उनका नाम है अली और अली से बात करते हैं व्हाट इज HRBP. बिफोर गोइंग इनटू द HRBP अली से पूछते हैं, अली आप कैसे हैं? अली आप एक्साइटेड हैं या ज्यादा एक्साइटेड हैं? यस थैंक यू वेरी मच रंजीत. ये सब्जेक्ट पर्टिकुलरली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. दिस वाज समथिंग व्हिच आई ड्रीम्ड years back और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस फेस पे हैं. yes. कि मैं आज प्राउडली आपके साथ बैठ के इस पे बात कर सकता. अली आप ये मेरे एक सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए, आप आज एक्साइटेड हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि डिजिटल अपेयरेंस मेरी ये फर्स्ट टाइम है. फर्स्ट टाइम है. डू नॉट अपेयर ऑन डिजिटल. सो आप कभी भी कोई और डिजिटल कंटेंट की बात करेंगे तो कहेंगे कि रंजीत वॉज द फर्स्ट मैन हू इंट्रोड्यूस्ड मी. थैंक यू वेरी मच. तो सर पहला आपसे सवाल ये है कि व्हाट इज HRBP और HRBP नॉर्मल जो HR जो मार्केट में हम सुन रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या HRBP मैनेजर, इन दोनों रोल्स में क्या डिफरेंशिएशन है? आपका क्या ओपिनियन है? रंजीत ये पर्टिकुलरली HRBP इट्सेल्फ इज अ माइंडसेट, राइट, जो कि हमारा इस सेशन का नाम भी है. क्योंकि व्हेन समबडी ओन्स द बिजनेस अलोंग विद द HR तो वो ट्रांजिशन कर जाता है फ्रॉम रेगुलर HR इनटू HR बिजनेस. तो अगर हम ये कहें कि जैसे एक मिथ है, उस मिथ को समझना भी चाहते हैं कि HRBP बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव है या HRBP HR का रिप्रेजेंटेटिव, ये किसका नुमाइंदा है? ये एक ऐसा सीजन प्रोफेशनल है जिसने HR की एक्सपर्टीज और बिजनेस की नॉलेज को साथ मिलके कंबाइन करके इसको यूटिलाइज करता है फॉर द बिजनेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस नॉलेज देन? बिजनेस नॉलेज से मतलब ये है कि वो अपने बिजनेस को समझे, अपनी कंपटीशन को समझे, अपनी मार्केट को समझे, अपने अवेलेबल टैलेंट को समझे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द इंडस्ट्री और उन चीज़ों और उसके साथ साथ अपने इंटरनल मैट्रिक्स को समझे, HR के जो मैट्रिक्स होते हैं, उसके बाद उस नॉलेज को कम्बाइंड वे में होलिस्टिकली प्रेजेंट करना मैनेजमेंट में और उसमें वैल्यू ड्राइव करना फॉर द बिजनेस. तो आप जिस बिजनेस नॉलेज को मार्केट, कॉम्पिटिशन, कस्टमर, मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शल्स या फिर जो भी आप नाम दे रहे हैं, क्या हम उसे बिजनेस एक्यूमेन कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही. तो आइए बात करते हैं थोड़ा बहुत कि एक ऐसी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को समझने के लिए HRBP को क्या काम करना चाहिए? क्या वो तमाम मशीनें जो लगी हुई उसकी नॉलेज होनी चाहिए या उस प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए या फिर नो हाउ होनी चाहिए? नॉलेज जब मैं वर्ड यूज करूं तो मेरा मकसद ये कि इन डेप्थ नॉलेज. नो हाउ का मतलब है ही मस्ट नो द प्रोसेस, SOPs, पॉलिसीज, प्रोसीजर. आपका क्या कमेंट होगा इस नॉलेज के हवाले से? इस पे एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कैपेसिटी है, किस तरह की प्रोडक्शन लाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, किस तरह का टैलेंट हमारे पास रिक्वायर्ड है, किस तरह के उस पर टैलेंट को ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के हिसाब से उस टैलेंट के लिए होना चाहिए. तो ये तमाम चीज़ें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है. ओके. तभी वो अपने बिजनेस को फैसिलिटेट कर पाएगा. तो अगर अगर वो HR के नटशेल में रहेगा, HR की पॉलिसीज, HR के बेनिफिट्स और उसी में रहेगा तो वो
बिजनेस पार्टनर का भी नहीं बन सकेगा। एक्सेलेंट, तो हम इस बिजनेस एक्यूमेंट को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। क्या HRBP को नंबर्स का जो डिजिट्स हैं, जो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कॉस्ट है या फिर ओवरहेड्स हैं या जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, मार्जिन हैं और मार्कअप्स हैं या फिर प्रॉफिटेबिलिटी है, इन तमाम चीजों की नॉलेज होनी चाहिए या सिर्फ प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? प्रोसेस के बाद नंबर्स इज द की। Until and unless you don't know the numbers about the business, क्या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसकी कितनी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, कितना मैन आवर रिक्वायर्ड है, तो आप उस पर सक्सेस नहीं अटेन कर पाते। right. जब बिजनेस एक्सपेंशन की बात करता है, सो यू डोंट एग्जैक्टली नो कितने किस रेशो से आपका ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा, किस प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए कितने मैन आवर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो ये नंबर्स आपको डायरेक्टली हेल्प करेंगे प्रोडक्शन की कैपेसिटी कैपेबिलिटी समझने में, वो क्या प्रोड्यूस कर पाता है और अल्टीमेटली वो क्या नंबर जनरेट कर पाते हैं। नंबर टॉप लाइन बेस लाइन दोनों को, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन या जिसको बेस लाइन। एक्सेलेंट, तो इसका मतलब ये कि अभी तक हमने डिस्कशन में एक बड़ी पॉजिटिव बात लेकर आए कि उसको बिजनेस नॉलेज हो मतलब बिजनेस एक्यूमेन हो, उसकी नंबर्स की नॉलेज हो, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना बहुत जरूरी है अगर वो HRBP बनना चाहते हैं। अच्छा, एक आपने वर्ड यूज किया HR एक्सपर्टीज। व्हाट डू यू मीन बाय द HR एक्सपर्टीज? क्या मतलब है HR एक्सपर्टीज का? HR एक्सपर्टीज से मतलब ये कि उसको अपनी फंक्शनल नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए, जो HR के प्रोसेसेस हैं, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू वो वैल्यू ड्राइव कर सकता है, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को टैलेंट एंड ट्रेन, जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको ट्रेन कर सकता है और एग्जिस्टिंग टैलेंट को रिटेन एंड एंगेज कर सकता है और फिर इवैल्यूएट करें नए रोल्स एंड पोटेंशियल्स पे देखते हुए कि क्या टैलेंट रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जनरेट हो रही है। तो इंटरनली डेवलप करना है, एक्सटर्नली टैलेंट लेके आना है, तो ये HR की फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज हैं जिस पे उसने काम करना है। ही शुड नो दैट, क्योंकि वो होगी तभी वो बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है क्या काम किस तरह से करवाना है, बट क्या स्ट्रक्चर क्या मॉडल HR का यूज करना है, दैट इज द HR। इट मींस अगर HR एक्सपर्टीज होगी तो वो जो भी हमने बिजनेस एक्यूमेंट डिस्कस किया है, फाइनेंशियल एक्यूमेंट डिस्कस किया है, उसमें वो अपनी HR एक्सपर्टीज को ट्रांसलेट कर सकता है। इसका मतलब HR की नॉलेज ट्रांसफॉर्म कर सकता है बिजनेस को और बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स है वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है HR को। HR एक्सपर्टीज में टैलेंट एक्विजिशन आता है, अगर हम बात करें डेफिनेटली अगर टैलेंट एक्विजिशन आता है तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट समझ के टैलेंट एक्विजिशन कैसे करनी है या फिर जो बजट हेडकाउंट है उसी को पूरा करना है, HRBP कैसे करता होगा, क्या करता होगा? जब तक उसको अपनी पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में नॉलेज नहीं है, राइट, तो ही कैन नॉट ब्रिंग द राइट स्किल सेट, राइट टैलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसको उसके लिए उसकी जॉब को समझना, राइट, उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स को समझना, राइट, और फिर उस रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट टैलेंट को मार्केट में आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और HR एक्सपर्टीज के अंदर टोटल रिवॉर्ड्स का डिपार्टमेंट भी है, पेरोल का डिपार्टमेंट भी है, कॉम्पेंट बैन है, ये इस नॉलेज को वो बिजनेस के अंदर, बिजनेस एक्यूमेन और फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेगा? ये एक होलिस्टिक पिक्चर है, राइट, राइट। सिर्फ टैलेंट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, राइट, फॉर अ बिजनेस पार्टनर ही शुड नो द नंबर्स, बिजनेस की क्या इक्विटी है, मार्केट का क्या कॉम्पिटिटिव पे स्केल है, हम किस पे स्केल पे खड़े हुए हैं, तो इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ ऑप्स, उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितना स्मूथ है। सर, तो अगर हम प्रोसेस देखें तो टैलेंट कम्स फर्स्ट, जहाँ से आप उस टैलेंट को ऑनबोर्ड करते हैं, रिक्रूट करते हैं और फिर उसको ऑनबोर्ड करते हैं, क्या आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं उसको फर्स्ट इनिशियल डेज में, क्या उसका ऑनबोर्डिंग प्लान है, क्या उसका रिटेंशन एंड एंगेजमेंट प्लान है, क्या उसका परफॉर्मेंस साइकिल है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली क्या आपका रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन साइकिल है। तो जब ये चीज़ें कनेक्ट होंगी तो ही आपका HR बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस के लिए टैलेंट सोर्स भी कर सकता है, एंगेज भी कर सकता है, रिटेन भी कर सकता है। अगर ये चीज़ें इसको हेल्पिंग हैंड या सपोर्ट पे नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो कोलैप्स। राइट। एक सेमी फाइनल क्वेश्चन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, वो HR की कोर कॉम्पिटेंसी है, HR के एक्सपर्टीज के अंदर आता है। तो इन दोनों कॉम्पिटेंसीज को देखते हुए वो बिजनेस एक्यूमेन और फाइनेंशियल लिटरेसी के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेगा? लर्निंग नीड्स अब शेल्फ प्रोडक्ट्स तक की हद तक नहीं रही। एक्सेलेंट। लर्निंग नीड्स बिजनेस की कोर प्रॉब्लम्स, कोर गैप्स को आइडेंटिफाई करके अब निकाली जाती है। राइट। तो हैविंग अ यूनिक प्रॉब्लम मस्ट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। राइट। तो लर्निंग एंड प्रॉब्लम को जब साथ कनेक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम
सॉल्व होगा फॉर द बिजनेस, और तभी आप वो बिजनेस इश्यूज को, बिजनेस गैप्स को, या गैप्स के अलावा आप नए स्किल सेट को, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट्स को आप ट्रेन कर सकते हैं अपनी रिसोर्सेज को उसके अकॉर्डिंगली, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस एंड कंट्रीब्यूट इन द बिजनेस। तो जैसे कि मार्केट में एक मिथ थी कि L&D जो ना सॉफ्ट स्किल्स पे ट्रेनिंग कराता है, नहीं, वो बिजनेस